हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अर्श मोमिन किचन। तो गाइज, कैसे हो आप लोग? होपफुली आप लोग अपने अपने घरों में मस्त होंगे। तो ये ब्लॉग जो है ये ओल्ड ब्लॉग है, क्योंकि एडिट नहीं हो पाया था तो मैं अपलोड नहीं कर पाई थी। तो अभी हम लोग जब जालंधर गए थे तो वहाँ से रेणुकूट के लिए जब हम लोग रिटर्न हो रहे थे तभी का ये ब्लॉग है। और अभी हम लोग ट्रेन का वेट कर रहे हैं, और दिवाली की टाइम है ना, तो इसमें बहुत ज़्यादा यहाँ पे रश है क्योंकि लोग अपने घरों को जाते हैं। तो क्या कर रही हो? वहाँ मखनी चाचू है। आ गया मखनी। अर्शु के लिए ट्रेन है। ये देखो, बोल दो। हाय, कैसे हैं आप लोग? बोलो। हाय हाय। अच्छा बोला शा। देखो अच्छू, पानी दे दो। पानी नहीं, कपड़ा गीला हो जाएगा बेटा। वैसे बैठ जाओ, वैसे दिख जाओ, फिर ट्रेन के बाहर का दिखेगा तुमको ना। वैसे पैर कर लो, ले को ऊपर बैठ को। चुटके आती है, चुटचु नहीं निदाती है, सिर्फ तो शैनी नाती है, नहीं निदानी। नहीं निदानी, नहीं निदानी, नहीं निदानी। फिर से सुना दो। अरे वो रियल एस्टेट जैसे हो रहा है। नहीं 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 नहीं, नो नो नो, गार्ड लगा रहता है। अरे उसमें खर्चा भी बहुत पड़ता है, उसमें 4,000-5,000 रुपया मेंटेनेंस चार्ज देना पड़ता है।
आप चाहे रहो चाहे न रहो चाहे जो करो वो गार्ड लगे हैं, ये है मेंटेनेंस है। हाँ और इस बार की जर्नी में अर्श खूब मस्ती की है क्योंकि यहाँ पे 3-4 बच्चे थे जो आपस में यहाँ खेल रहे थे, तो ये लोग तो खूब मस्ती किए थे लेकिन हम लोग की तो हालत ख़राब हो गई थी इन लोग को पकड़ पकड़ के। गिर जाओगी। अभी तू नहीं है मुझे हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? होपफुली आप लोग हैप्पी होंगे और हम लोग भी ठीक हैं और हम लोग भी पंजाब से आ गए हैं। तो ये देखिए घर का क्या हाल बना हुआ है, पूरा घर और अस्त व्यस्त है। हाय बोलो अर्श, बोल दो हाय, बोल लो कैसे हैं आप लोग। दिवाली में तो हम लोग वहीं रह गए तो इस वजह से घर की साफ़ सफाई भी नहीं हुई, लेकिन अभी देखे इतना कचरा मोचा हुआ है, इतना गंदगी है पूरे घर में, देखते हैं कब तक काम नहीं पड़ता है। अभी तो उठे ब्रश करना है, उसके बाद कुछ ब्रेकफास्ट बनाती हूँ, फिर उसके बाद मैं देखती हूँ क्या होता है, निकालती हूँ। इतने दिन से पड़ा हुआ है ना, सब गंदा हो गया है, डस्ट। जाते वक्त तो साफ ही लगाई थी, धुला हुआ था ना उस समय। ये रखिए, निकालिए। घर का क्या हालत हो गया है। नहीं बेटा, कलावती दादी है। हाँ, वो छोड़ो गंदा है, गिरोगी। नाश्ता देखते हैं क्या बनाती हूँ यार, घर में तो सब्जी भी नहीं है कोई। ये अपना सूज धो दिए हैं,
फिलहाल अभी मैं बना ली हूँ चाय और घर में बिस्किट रखी हुई थी और नमकीन भी ख़त्म ही हो गया है क्योंकि पैकेट में थोड़ा सा बचा था तो वही निकाल के हम लोग खा रहे हैं। फिर चाय पी लेते हैं, उसके बाद जो भी वेजिटेबल्स वगैरह और नमकीन बिस्किट जो भी चीज़ें लानी है तो जाकर फिर शॉपिंग सेंटर से लाना पड़ेगा। और दो दिन की जर्नी होती है ये, तो बहुत ज़्यादा टायर्ड हो जाते हैं हम लोग, तो बुरी तरह से थके हुए हैं। कई दिन से रोटियां खा के ना मन उब गया है, तो मैं सोची आते ही हम लोग बना रहे हैं राइस और दाल, क्या राइस दाल बना रहे हैं, तो सोच रही हूँ चलो सब्जी लेके आऊँ क्योंकि घर में कुछ नहीं है, सिर्फ अदरक और प्याज लहसुन पड़ा हुआ है। हम लोग जब पंजाब गए थे ना तो जो आलू था घर में वो मेट को दे दिए थे क्योंकि फिर रखे रखे ख़राब हो जाती है गर्मी से, तो बस चलते हैं लेने सब्जी, हरी सब्जी लेंगे। आलू कई दिन से खा रहे थे क्योंकि ट्रेन में भी आलू और करेला ही बना के दिए थे आंटी। तू भी जाएगी? तुम भी जाएगी, तुम दादी के पास रह लो। नहीं जाओ मुझे। लो झोला लो पकड़ो, चलो सब्जी लेने। क्या सब्जी लाओगी? सब्जी। चलो चलो आओ। चलो सब्जी लेते हैं। चलो चलो हाँ क्या है? गुम्मी करने नहीं, सब्जी लेने चलो। आ जाओ आओ आओ बेटा, आ जाओ चलो बैठ जाओ बैठ जाओ। फंस के गिर जाएगा, देख काऊ आ रही है। एक दो बना जेरी और कुछ उधर नहीं लेना ना। पालक साफ था।